स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर आज छोड़कर चली गई, क्या कहेंगे? लता जी आज अपने जो भौतिक शरीर है उसको छोड़ के चली गई हैं, लेकिन लता जी स्वर के रूप में पूरे जो हमारा वायुमंडल है उसमें सदैव विद्यमान रहेंगी। उनके द्वारा गाए गए गीत संगीत हमेशा हमारे कानों के अंदर वो सुनते रहेंगे। शरीर जो है वो उसका वो स्वरूप ही है कि एक दिन छोड़ के जला जाना है। लता जी चली गई, ये बहुत दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी ने जो भारतीय संगीत को योगदान दिया वो अप्रतिम है, अद्वितीय है, उसे कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। और लता जी तो हमारे बीच में स्वर के रूप में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ रहें वहीं से गुनगुनाती रहें। भारतीय संगीत में अद्भुत पहचान रखने वाली स्वर साम्राज्ञी लता जी के निधन पर मैं शोक संतृप्त हूँ। मैं पर्सनल तौर पर उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके निधन पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भारत ने आज एक संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा रत्न खो दिया है और इसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। हम सभी भारतीय मिलकर उनको हृदय से नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो ये कौन भूल सकता है। माँ सरस्वती की प्रिय, देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने स्वर के द्वारा जानी जाने वाली सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रहे। शायद ईश्वर को भी संगीत सुनने का मन हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। आज पूरा देश, यदि मैं कहूं कि पूरा विश्व तो गलत नहीं होगा, शोक में है, क्योंकि आज हमारे बीच से हमारे भारत की एक रत्न, भारत रत्न जिनको नाइटेंगल कहा जाता था, स्वर कोकिला कहा जाता था, वो अब हमारे बीच नहीं है। हमें अभी भी याद है हमारे बचपन का बहुत सा समय उनके गाने गुनगुनाते बीता था, और आज भी उनके कई गाने ऐसे हैं कि जब कहीं चल जाते हैं तो समा मान देते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े शोक का दिवस है जब वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, भले ही उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने, उनका स्वर, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता, उनकी नम्रता, और जो उन्होंने एक आइकन सेट किया है हर उस बच्चे के लिए, हर उस लड़की के लिए, हर उस लड़के के लिए जो गाना चाहता है, वो उनको देखता है, सुनता है, समझता है और उनकी तरह बनना चाहता है। तो मैं डॉक्टर एकिका सिंह अपना शोक व्यक्त करती हूँ और साथ में ये कहती हूँ कि वो हमारे दिलों में हमेशा 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 जिंदा रहेंगी। उनके मीठे स्वर हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। नमस्कार। आज पूरा देश एक राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ है। भारत रत्न हमारे देश की बहुत मशहूर गायिका श्रीमती लता मंगेशकर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं, उनके लिए हम एक शोक संवेदना प्रकट करते हैं, और जो उन्होंने संगीत को दिया उसके लिए पूरा राष्ट्र उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा, आभारी रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन से जो हम लोग जो भी गायक हैं या जो भी देशवासी हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि कोई अपने को कितना अपनी साधना से, अपनी प्रतिभा से देश को कितनी बड़ी सेवा दे सकता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी, अगर उनकी बताए हुए बातों से हम कुछ सीख लें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। स्वरलोक की माँ खुद सुरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गई। हमारी मंगल ध्वनियाँ, हमारे भाव गंगोत्री का गान करने वाला कंठ परम विश्रुति की गोद में चिरविलीन हो गया। माँ सरस्वती की आवाज़ अपनी पुण्य काया को त्याग कर परम पिता परमेश्वर के पास चली गई। स्वर की ममतामयी माँ आप सदैव लोक कंठ में थीं, हैं
और रहेंगी। स्वर सामग्री के नाम से जाने जाने वाले एक स्वर्णिम काल का अंत अत्यंत दुखदायी है। ईश्वर से प्रार्थना है वो आपकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। नमस्कार। बहुत ही दुखद समाचार है। स्वर कोकिला के साथ एक युग का अंत हो गया है। जरा याद तो कर लो उनको, जरा आँख में भर लो पानी, कैसे कोई भूल पाएगा। चाहे जंग का मैदान हो, चाहे संगीत का सभागार हो, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं और आज भी उनसे बेहतर कोई नहीं दिखाई देता। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लता मंगेशकर जी के साथ भारतीय संगीत संसार का एक चमकता हुआ सितारा भारत ने खो दिया।